लैला लैला पुकारू मैं मन में प्यारी, लैला बसी मेरे मन में। तो एक बादशाह को उसके ऊपर दया आ गई, बेचारा लैला को दिखाया तो देखा लैला पर लंबी सी पतली सी करूटी सी, कोई डिजाइन नहीं। तो राजा को लगा कैसा उल्लू है ये भाई लैला, भाई इसके लिए पागल है, लेकिन चलो भटक रहा है पागल है, मैं दया करता हूं। तो बुलाया को बादशाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं इसके बाद तो लैला लैला चिल्ला रहा है। लैला तो कोई मैंने दिखवाया, क्योंकि मैं सोचा कोई बड़ी सुंदर लड़की होगी जिसके पीछे तुम भटक रहे हो, तो मेरे पास से निकल कैसे गई? सारी सुंदरी लड़कियां तो मैं अपने यहां रख लेता हूं। मैंने सोचा कोई स्लिप हो गई होगी, तो जब देखो कौन सी लैला है, तो देखा तो लंबी पतली कलुटी सी, आंखें भी ऐसी सी है, क्या तो पागल होता है, अनएक्सपीरियंस है, तो अनुभवी नहीं है। मैं अनुभवी हूं, मेरे यहां लाइन लगा के एक से एक ब्यूटीफुल लड़कियां हैं मेरे हरम में। तू इतना पागल हो रहा है, वैसे मैं अपनी कोई बीवी देना नहीं चाहता, लेकिन तेरे पागलपन को देख के मुझे तेरे ऊपर दया आ रही है, और इसलिए मैं अपने कर्म से तुझे अपने हरम में भेजता हूं, तुझे जो अच्छी लगे उसको ले जा, मैं तेरे साथ, मैं इसको तलाक दे दूंगा और तेरे साथ निकाह कर दूंगा, क्या मौज मार और खर्चे पाने के इंतजाम भी मैं कर। तुमने कहा कि आलीजा आपकी इनायत है, इनायत आलीजा आपकी बड़ी इनायत है, जो आप अपने हरम से हमको छाटने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपके हरम में कोई भी लड़की लैला से ज्यादा सुंदर हो ही नहीं सकती। तो कुछ जानते ही बेवकूफ है क्या? अरे मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं, मैं जानकार, मैं नहीं जानता तू कलुटी के पीछे कह रहा। तो गुस्ताखी माफ आलीजा, गुस्ताखी माफ माने मेरे अपराध को क्षमा किया जाए। आप लैला के सौंदर्य को देखते, अरे मैंने देखा है कलुटी लंबी की तो है। नहीं हुजूर, लैला बहुत खूबसूरत है। तुम उसको खूबसूरत कहते हो? हुजूर, लैला की खूबसूरती देखने के लिए आलीजा को मजनू की आंख लानी पड़ेगी, तब तुम्हें सौंदर्य दिखाई पड़ेगा। हमारी लैला कितनी ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। माता को अपना बेटा कितना सुंदर लगता है, इसी प्रकार पतिव्रता को अपना पति पर। मजनू कहता है लैला का सौंदर्य देखने के लिए आलीजा को मजनू की आंख लेनी पड़े। मूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मूर्ति के माध्यम से जो देखना है वो इंपॉर्टेंट है। गुरु में 1000 गलतियां हो सकती हैं, शरीर है उसमें गुण अवगुण होंगे ही, क्योंकि बिन प्रपंच गुण अवगुण संगत। सत्यानिते मिथुनी कृत्य अयम लोक व्यवहारा, गुरु में बहुत कमियां हो सकती। अगर गुरु को जीव मानोगे, अगर गुरु को मनुष्य मानोगे, कभी दिखाई पड़ेगी। तुम कभी देखोगे तुम्हारा अंतःकरण उस तरह का हो जाएगा। तुम गुरु को परब्रह्म परमात्मा देखोगे, तुम्हारा अंतःकरण परब्रह्म परमात्मा हो जाएगा। अरे गोबर की पिंडी में हम गणेश जी का दर्शन करके और नमः गणपतये तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि तमेव कर्तासि तमेव धर्तासि बोलते कोई बेवकूफ है? वो गोबर करता सी धरता सी, गोबर माध्यम है, हम इसके माध्यम से जो गणपति तत्व है उसके दर्शन करें। जो गोबर देखेंगे वो गणपति की पूजा नहीं करेंगे, उनको फिर गोबर ही मिलेगा, उनकी बुद्धि में गोबर ही भर जाएगा। वरना गणेश जी जो हैं विद्यावारिणी बुद्धि विधाता,
बुद्धि के विधाता गोबर जो देखेगा उसके दिमाग में फिर मजबूरी है, गोबर ही जाएगा, जो वृत्ति तो वृत्ति गोबराकाराकारी वृत्ति है तो गोबर बनेगा, और भगवदाकाराकारी वृत्ति है ये भावना रहेगी तो वही गोबर की पिंडी ब्रह्म के रूप में तुम्हारी बुद्धि को प्रकाशित। तो गोबर की मूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है माय डियर, उस मूर्ति के माध्यम से जिसका दर्शन करना है वो इंपॉर्टेंट। पति में 1000 गलतियां हो किंतु चूंकि वो हमारा पति है इसलिए हमारा वो परमेश्वर है। अगर हम उसको शरीर देख करके और उसके भाई ये तो इतने हैंडसम नहीं है, उसका तो देखो कितना हैंडसम है, तुम्हारा व्यभिचार। जगन्नाथ सुंदर है, गोबर के गणेश सुंदर हैं, सुपारी की गौरी सुंदर हैं, तो इसी तरह से पति भी सुंदर है, गुरु भी परम। कारीगर की बनाई मूर्ति में हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, और परमात्मा ने जो मूर्ति बनाई आखिर पति को किसने बनाया, आखिर गुरु को किसने बनाया, और ये कहा गया तुम्हारा पति है, ये तुमसे कहा गया है तुम्हारा गुरु है। अब परमात्मा के द्वारा जो विग्रह तुम्हें गुरु के रूप में प्राप्त है उसमें अगर गोबर बुद्धि करते हो तो गोबर गोबराकाराकारी वृत्ति होगी, और भगवदा भगवत बुद्धि करोगे तो भगवदाकाराकारी बुद्धि। ये साक्षात परमेश्वर ये मेरे पति हैं, इसलिए सब अपने श्रृंगार पटार भूल करके मेरे पति हैं, मुझे अपने समस्त अंगों को इनकी सेवा में अर्पित करना है। बहुत विधि पूर्वक देवभूति जी ने पति की सेवा। देखो भगवान की पूजा सेवा करना मना नहीं है, लेकिन हमारे पास कर्मकांड के एक पोस्ट ग्रेजुएट नहीं डॉक्टरेट बैठे हुए, इनसे पूछो, आप हमारी बात को समझने की कोशिश करना। पत्नी के लिए सौभाग्यवती पत्नी के लिए अलग से अनुष्ठान करने के लिए कोई विधान नहीं, केवल पति की सेवा अगर वो कर रही है तो उसको परमात्मा की उपासना का ही फल मिलेगा। पति की आज्ञा से पति को सेवा से संतुष्ट करके अगर पूजा पाठ और करती तो अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं, करना ही चाहिए, लेकिन पति की तो सेवा उपेक्षित हो जाए और पता चल रहा है कि दूसरे नाटक में लगी हैं, तो चूंकि जो कर्तव्य है वो तो कर्तव्य नहीं कर रहे, इसे कर्तव्य है। जितने भी पूजा पाठ संकल्प विकल्प ये सब हैं, ये सब पति की सेवा के अंग के हैं। हम कृष्ण की पूजा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साक्षात कृष्ण ही पति बन के हमारे पास आए। आप लोग गोपिकाओं का उदाहरण मत खट से दे देना, गोपिकाओं ने कहा कि माटी के ढोंगा से हम कब तक लटके रहेंगे जब आप परम पति प्राप्त हो गए। जिस दिन तुम्हारी ये दृष्टि हो जाएगी उस दिन आपके लिए भी विधान होगा। जब तक वहां तक नहीं पहुंचे हो तब तक ये माटी का धोंधा ही तुम्हारे लिए कृष्ण है, यही राम है, यही शिव है, यही ब्रह्म है, यही गणेश है, यही परमात्मा है, और उसी से तुमको फल मिलेगा। वो गोबर थोड़ा फल देता है, फल तुम्हारी भावना देती है। और संकोच मत करना, हम भी इस रास्ते से एक आध बार कभी हमको भी अपने गुरु के किसी आचरण में संदेह हो जाता है ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तत्काल हम भी गुरु जी की शरण में जाते थे मन से, महाराज आज हमारा मामला गड़बड़ है, हमने आपकी क्रिया देखी और हमको थोड़ा हमको स्मरण है, एक बार कोई हमारे मन में बात इस तरह आई तो
गुरु महाराज ने कहा हमसे, उनके शब्द दोहरा रहा हूं लगभग, देखो हम धोबी हैं, अगर तुम्हारा कपड़ा गंदा हो तो हमको दे दो, मैं धो दूंगा। अगर तुम अपना कपड़ा हमको नहीं दोगे तो मैं कैसे धोऊंगा। गुरु धोबी, गुरु कुम्हार, कड़कड़ काटे खो अंदर से तो आश्रय, ऊपर मारे चोट। तो मुझे मुझे कहने दी, कई बात मैंने शायद मुश्किल से कोई कभी उनके आचरण के लिए कभी हमने कहने की हिम्मत की कि नहीं, कि मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन कभी कभी गड़बड़ होता था। मैं सच कह रहा हूं भाई, जो गलती अपने तो बता देता, तुमने गलती क्या है, अब उस रास्ते चले ठोकर लगी, लेकिन ठोकर लगने का मतलब ये नहीं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, अगर ठोकर रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, जो गिर करके समझ जाए उसे इंसान कहे। गलती आती क्यों नहीं हुई, आता है, इंद्रियां हैं, संस्कार हैं, लेकिन समाधान पर ये कठिनाई होती है, इसलिए ये बात कही है। वो मूर्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, उस मूर्ति के माध्यम से जिसको तुम देख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनुसुईया जी सीता माता से कहती हैं कि कामी हो, क्रोधी हो, कोड़ी हो, चाहे जैसा हो, पति तुम्हारे लिए परमेश्वर। अब सोचो, कोढ़ी पति कह रहा है अपनी पत्नी से, मैंने बेशर्मी की भी एक हद है तरह से, कि मुझे वो वेश्या इधर से जा रही थी, मेरा मन है उस वेश्या के साथ थोड़ा, तो पत्नी स्वयं अपने पति को, कोढ़ी पति को सिर पे लेके वेश्या के यहां ले जा रही है, रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई जरा इसको ओर्गेनाइज कर। आप लोगों ने कथा सुनी है, ऋषि के सूली पे लटके हुए हैं, उनके पैर में ठोकर लगी, उन्होंने कहा ठीक है पति, प्रातः काल होते ही, सूर्योदय होते ही मेरा पति मर जाएगा, मुझे कितनी पीड़ा दे। तो वो कोढ़ी की सेवा करने वाली कहती है, मेरा पति तब मरेगा जब सूर्योदय होगा, सूर्य की ताकत है, पति प्रता की इच्छा के बिना उदय हो जाए, सूर्योदय ही नहीं। यह आप लोगों ने कथा सुन, इसलिए आपकी सेवा में प्रार्थना की जा रही है कि आप बाहर, ये जितनी चीजें हैं सब तुम्हारे आभ्यंतर को उन्नत करने के लिए, भटक रहे हैं दुनिया में, शांति नहीं मिलती है क्योंकि पति की आज्ञा नहीं मानी, गुरु की आज्ञा नहीं मानी। अरे आज्ञा अगर गुरु देता है तो बहुत दूर की बात है, उत्तम तो ये होता है गुरु का संकेत समझे। उत्तमश चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमा अशुद्धया कुर्यात्। उत्तम शिष्य पुत्र सेवक वो है जो मालिक गुरु और पिता के मन की बात समझ करके कर ले। उत्तम इशारे से करने वाला श्रेष्ठ है, इशारा किया समझ गया कर दिया श्रेष्ठ, कहने पे जो करे वो मिडिल क्लास सेकेंड क्लास है। प्रोक्तकारी तो मध्यम, कहने पे जो करे वो सेकेंड क्लास 50% वाला है। और अधमा अश्रद्धया कुर्यात्, अश्रद्धा पूर्वक जो करे आज्ञा का पालन वो अधम है, निकृष्ट है। तो शिष्य पुत्र जरूर सेवा लेकिन निकृष्ट है। और अगर तो चरितम भी तो हो, और जो हो गुरु पिता और स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करता है वो ना तो शिष्य है, ना वो पुत्र है, और ना वो सेवक है। जैसे पिता के शरीर से और गंदगियां निकल जाती हैं, वो
पिता का और शिष्य के माध्यम से निकला हुआ कोई विकार है, पुत्र शिष्य नहीं। ध्यान रखना, आप जीव का कल्याण क्यों नहीं हो रहा है, हमको क्यों भटकना पड़ रहा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा उपलब्ध है, किसी को 6 महीना में, किसी को 2.5 घड़ी में, किसी को इतने वर्ष में हो रहा है और हमको अब तक नहीं हो रहा है, क्या कारण है। देखो घड़े में क्या गड़बड़ है, कहीं उल्टा तो नहीं है, कहीं कचरा तो नहीं भरा है, कहीं में छेद तो नहीं है। शास्त्र मिथ्या नहीं है, क्योंकि ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, हमारी कहां गड़बड़ी है इसको देखो। हमारे एक भाई हमको जब छोटे थे तो हंसने की कथा सुनाते थे, एक गांव में 2 पड़ोसिन थी, एक देवहूति जैसी थी, पति की हजम सेवा करने वाली, और उनके पड़ोस में जो एक थी जरा सुनने वाली, पति देव को बात है तो गांव में, अब पता नहीं है कि नहीं, पहले तो हमको याद है गांव में क्या, शहर में अगर कुछ घर में कम हो जाए तो बगल से ले आते थे, तो वो जरा हैवी वेट वाली, माने भाई भाई हैवी वेट वाले, माने कोई अगर हैवी वेट वाले तुम्हारे लिए, नहीं कह रहा भाई ये मैं हाथ पर जोड़ के कह रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कह रहा हूँ, नहीं तुम हैवी वेट तो बहुत अच्छे होते हैं, कई हैवी वेट हमारी बड़ी सेवा करते हैं, हम उनका नाम ही लेके मोटी से खाली कह के आदर करते हैं, तो इसलिए आप समझना ना कहिए कि नहीं मोटी की निंदा करो, ना ऐसा बिल्कुल नहीं मेरे मन में भाव, लेकिन वो थी इस तरह की बात के लिए, हम दुबली कहते थे चलो अपना क्या बिगड़ रहा है, बहुत दुबली चलो बताइए बता दी, लेकिन थी वो मोटी, तो पड़ोसी क्या गई कोई चीज मांगने के लिए, पड़ोसी उस समय धान निकाल रही थी, अब तो आजकल मशीन से धान आते हैं, पहले एक इतना बड़ा गड्ढा होता था फर्श में, शायद पुरानी बूढ़ी माताओं ने किया हो, हमने भी कभी कभी घर में देखा देखी टूटा था, और एक इतना बड़ा होता था लकड़ी का, बीच में था पतला, आगे पीछे ऐसा उस पर लोहा लगा होता था और ऐसे कुछ, और एक हाथ से जो बाहर निकल रहे तो मिला सब कूटना, तो वो कूट रही थी और वो पहुंच गई कुछ चीज मांगने के लिए, तो तब तक उसका पति आया, देवी जरा पानी देना, तो देवी जरा पानी देना जब कहा पति ने, तो उसका मूसक ऊपर आया हुआ था यहां पर, अब उसने सोचा पति ने पानी मांगा, अगर मैं नीचे ला करके रख के जाती हूं तो पति की सेवा में विलंब हो जाएगा, इसलिए उसने मूसल को ऐसे ही छोड़ करके और दौड़ पड़ी पानी देने के लिए, हाथ धो करके पानी पिलाया और मूसल ऊपर का ऊपर वैसे ही लटका हुआ, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पतिव्रता की सामर्थ्य के आगे कोई प्रभाव नहीं, वही मूसल लटका हुआ है। पड़ोसिन आई तो थी कुछ और सामान लेने के लिए, लेकिन ये चमत्कार देखा तो मूसा लटक गया, तो पानी पिला के कहीं आई बहन, आई तो थी मैं चीनी मांगने के लिए, लेकिन चीनी तो फिर देखना देना ना देना, अरे ये बता तेरा मूसा कैसे लटक रहा, ओ नहीं नहीं बताओ ना, मैं भी ले लेता हूँ आगे, कैसे लटका कैसे हाथ में आया, बहन जी ये सब आज जरा जल्दी, मैं कभी दिखाती नहीं हूं, जितना मना करें बताओ। उसने कहा मैं पति की परमात्मा मान के सेवा करती हूँ और उसी के फल से। अच्छा पति सेवा क्या होता है, पति सेवा कैसे की जाती है, मैं आपको सच बता दूं, सेवा करने का कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं, सेवा जब भी की जाती मन से की जाती, मन है तो सेवा कर सकते,
उसने एक बार एक सेठ को अपने यहाँ एक पर्सनल अटेंडेंट रखना था, नौकर रखना, जिसको खिदमतगार कहते हैं। उसका खिदमतगार मर गया था, तो एक और खिदमतगार चाहिए, तो अपने पर्सनल डिपार्टमेंट से कहा तुम छांट लो और अंत में फाइनल मैं करूँगा। तो छांट करके 10-15 लोग बचे, तो उसने सेठ का इनका इंटरव्यू मैं लूंगा। एक आदमी है, क्या नाम तुम्हारा? राम निवास। क्या करने आए हो? नौकरी करने आया हूं। क्या ठीक। दूसरा है, क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्मीनाथ। क्या करने आए हो? नौकरी करने आया। क्या ये इंटरव्यू हो रहा है। पांचवा आया, क्या नाम तुम्हारा है? घनश्याम। क्या करने आए हो? आपकी सेवा करने आए हैं। ठीक है, क्या एक लोटा पानी ले आओ, ले आए फेंक दो। फेंक दिया। क्यों फेंका? अरे आपने कहा फेंक दिया। ठीक है, सब आए। क्या बात है, किसी से कुछ इंटरव्यू कहाँ हो रहा है, बात ही नहीं करता। समझ सोचा हाथ नहीं बैठते, हाथ धोया, ये किया वो किया। एक और आया, क्या नाम है? राम सेवक। कैसे आए? आपकी सेवा करने के लिए आए। एक लोटा पानी ले आओ, ले आए, ले आए, ले फेंक दो। फेंक दिया। क्यों फेंका? गलती हो गई, अभी दूसरा लेके आता हूँ, अभी जाता हूँ, गलती हो गई। बस बस बस, राम सेवक आज से तू मेरी सेवा। आपने कहा नहीं, पानी क्यों फेंका? हुजूर गलती हो गई, मैं दूसरा लोटा ले आता हूं। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, इट इज स्पॉन्टेनियस, अंदर से होता है। मदर ट्रेनिंग से, अरे सिनेमा की एक्टिंग के लिए तो जाने दो। पति पत्नी आपस में कैसे प्रेम करें, इसका कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है क्या? कभी ट्रेनिंग ली कि पत्नी को ऐसे पकड़ना है, पति से ऐसे आलिंगन करना है, मुस्कुराना है, तो ओनली दिस मच, इस मच नहीं और इस मच नहीं, ऐसा कोई है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? प्रेम से जो करो, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, स्पॉन्टेनियस। वो ट्रेनिंग करो तो ध्यान उसमें चला जाए, वो सिनेमा हो जाएगा ना। सवेरे पति के सोने के पहले, सब उठने के पहले मैं जग जाती हूं, नहा धो के तैयार रहती हूं। जब मेरे पतिदेव उठते हैं तो उनका दतून लोटा रख देती हूं उनके सामने, अगर पानी चाहते तो पानी पिलाती हूं, और पूरे दिन की उसने बता दिया। रात को जब सोते तो उनके चरण दबा के मैं सोती हूँ, इत्यादि। पहले उनके पहले खाती नहीं हूँ, ये पूरी जो एक लिस्ट होती है बता दी। अच्छा, रात को कर रहे सुनते हो, ध्यान से रहो। सवेरे जब मैं उठ जाऊं ना, तब उठना, उसके पहले नहीं उठना, समझ गए? कोई काम पड़ेगा तो काम क्या होता है, मैं कह रही माने मैं उठ जाऊं तब तुम ये नहीं कि तुम उठ जाओ उसके पहले, उठ जाओ मैं उठ जाऊं उसके पहले नहीं उठना, समझता है? मुझे पति प्रता बनना है। तुम पति प्रता बन रही हो, मेरा भुर्ता बना जा रहा है। अब बेचारे सवेरे उठने की आदत थी जल्दी, अब बेचारे की मुश्किल पड़ रही थी सवेरे वाले काम के लिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, कहीं उठे घुरक दिया तो यही हो जाएगा काम, डर के मारे तो लेटा हुआ। बड़ी मुश्किल थी, क्या बन गया है, 11 बज गए, फिर उठी बड़ी मुश्किल से डिजाइन, आधा घंटा तो बाथरूम में लग गया, 11 मिनट लिपस्टिक ठीक करने लगे, क्या करें, कभी एंजिन बिगड़ जाता तो क्या करें, पहले लाइन बनाने हैं, लाइन नीचे हो गई तो टाइम लगता ही भाई, पति पता बनना है ना, श्रृंगार करते जाना पति के सामने, क्या करें, पति लेटे रहे और बेचारे की आफत आ रही थी, किस तरह से उसने अपनी पोजिशन रोकी हुई, तो मुझे मालूम रही है क्या दुर्गति हुई, तो भगवान जाने, उनसे कभी मिले तो पूछ लेना। तो वो गई लोटा ले, तुम करो और सुनो,
बाहर से आओ, जब मैं धान कूटना शुरू करूं ना तो बाहर जाके मेरे से पानी मांगना। देना देर नहीं करना। सवेरे पैर धोए थे उनके, जब धान कराए थे नमक भैया था कितने घंटे पैर से जब पतिव्रता बना वो बाहर गया, और कभी जिंदगी में उसने पानी मांगा हिम्मत ही नहीं पड़ी थी। वो पहले दिन ही इंटरव्यू हो गया था तो कहता मैं अपने आप ही पानी पी लूं, घर में शांति तो रहे। अब आवाज मिलते तब तो वो कूट रही है धान की, मरा आ भी नहीं रहा अभी तक, धाने को लगा के क्या दे रहे थे। झांक नहीं कराया अब क्यों नहीं, उसकी बेचारे की हिम्मत नहीं पड़े तू मूसा लगाते नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर आया, फिर तीन बार लौट गया और सोचा कि कहीं मेरी मुश्किल, चौथी बार बड़ी मुश्किल देवी प्यास अब इतनी देर लुटवा के ठीक है। उसने मूसल, यहां मूसल था रगे ना वो तो ऊपर अटकाना है, तो ऊपर उठा के ऐसे फेंका और ये देखने लग गए कि मूसल लटका कि नहीं के ऊपर मूसल पड़ा है, कितनी कमजोर चीज है, भयंकर दर्द हुआ। अब जब दर्द हुआ तो फिर गुस्सा आया, अरे तू ऐसा ही है, देख उसकी पता बेटे मूसल वही पतिव्रता महारानी पतिदेव के पीछे आगे आगे पतिदेव प्राण रक्षा के कारण भाग रहे पीछे पीछे। तो प्लीज ऐसी पतिव्रता मत कि पति लाख का भूलता बनाओ तो हमारे पास हुए महाराजा भागवत कृपा करके, ऐसी मत कहना। आप लोग पहले सावधान है ना, मांगने मत पाले सुखी रहो। तो माई डियर ये हंसने हंसाने की बातें नहीं है, पति व्रता हृदय से अपनी सेवा के माध्यम से भागवत का साफ साफ उल्लेख है। तेजी यांसा अतोषयत, उन तेजस्वी को संतुष्ट किया प्रसन्न किया, ये भी एक अर्थ है। और दूसरा एक अर्थ तेजी यांसा माने जिनका दिमाग बहुत तेज है, प्रायः करके लोगों की शिकायत होती है ये महात्मा तो देखो एकदम जैसे आग बबूला बने, जरा सी बात करो गुस्सा हो जाते हैं। महात्माओं को क्रोध बहुत आता है ये कहा जाता है, अच्छी चीज नहीं हम मानते हैं, बिल्कुल अच्छी चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन आप थोड़ी महात्माओं की मजबूरी समझना। वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी मानो ना मानो आप इच्छा है। महात्मा लोग रहते हैं एकांत। अभी हम अमेरिका गए थे, जब बड़ा भारी घर था और हम चलो तो हमारे घर में रह जाओ, हमारे लिए अलग व्यवस्था की गई थी रहने के लिए, बड़े भक्ति भाव पूर्वक हमको अपने यहाँ रहने के लिए गए। अब मैं भी अनविलिंगली उनका भाव देखे चला गया। अब उनके यहाँ दो नाती और नकली थी, वो पूरा घर माई दिया उन्होंने चिल्ल फों करके और उठा रखा, और बड़ा समझाएं वो लोग। उनको समझ में आ गया महाराज जी के यहाँ कोई इतनी ऊंची आवाज में नहीं बोलता है। आज महाराज जी बड़े सवेरे हमसे उठा, महाराज आपने कृपा किए थे बड़ा अनुग्रह है, अब आप वहीं रहो, वहीं रखना चाहते थे। खुद उन्होंने कहा कि महाराज आप वहां क्यों, जानते हैं कि महात्मा को आवाज सुनने की आदत नहीं है। आवाज जैसे घरवानों में दिन भर भाई के खा चे फो मची सब उसी में टीवी देख रहे हैं, उसी में सब कर रहे हैं, उनको कोई गड़बड़ी नहीं होता है क्योंकि उनकी आदत पड़ी है, कान उनके पके हुए हैं। और महात्मा को जरा सी कोई ऐसी बात हो जाए तो कान में ऐसा लगता कोई लठ मार रहा है। महात्माओं के यहां अगर कोई सब इच्छा से पूरी करते एक बार पानी मांग लो तुरंत तैयार, अब दूसरी जगह सब आदत पड़ी ये चीज ऐसे ये चीज ऐसे, अपने आप सब सिस्टम बने हुए, दूसरी जगह जाते हैं दूसरे लोग आते हैं उनको पता नहीं है, तो जितनी कोमल जगह होती उतनी सेंसिटिव हो जाती है। जैसे हमारे पैर हैं, अब यात्रा करता हूं तो मजबूत हो जाते हैं, कांटे वाले कोई असर नहीं करते हैं, लेकिन अभी इतनी सी चीज है वो बड़ी जोर से रहती है।
और हमारे मुकुंदा ने कुर्बाई दे, इतनी मोटी उनकी पैर की चमड़ी थी, कांटा भी लगता पर कर्म पे रोटा सा कहा किस महात्मा के पैर पे लग गया वो तो कांटे ही टूट जाता था, उनके पैर पे कोई असर ही नहीं होता। तो मुलायम त्वचा और कठोर त्वचा का ये कारण है। तो महात्मा लोगों के इंस्ट्रूमेंट बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनकी आंख, उनके कान, उनके नाक, उनके हृदय बड़े सेंसिटिव होते हैं। तुम्हारे घर में कोई कुछ कहता रहा कोई असर नहीं होता है, और महात्मा के पास तुमने चाय ले जाके और जरा जोर से ऐसे करके ना कि खट, महात्मा समझ जाएंगे कि अब महात्मा आसन उठा लो, इसी में तुम्हारी इज्जत है, थोड़े में तुम्हारे हृदय की भावना जान जाती है। इसलिए अगर कोई विपरीत भाव आता है तो महात्मा को विक्षेप हो जाता है, सेंसिटिव है, और इसलिए जरा कुछ कह देते हैं, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन प्राय आपने भागवत में भी देखा है कि तुरंत सज्जा राक्षस हो गया, तुरंत क्रोध आया और कृत्या उत्पन्न कर मार, उनका कमजोरी है। और इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वी शुड एडजस्ट, अगर हमारे पैर इस तरह के पास भी जाम करके रखते तो इसी तरह संत के पास भी जाओ तो ये तैयार होके जाओ कि बेचारे बड़े सेंसिटिव हैं, पहले इस तरह से व्यवहार करो कि उनको विक्षेप ही न होने पाए, और अगर कोई गलती अनजाने से जाने से हो जाए तो बोलते तुरंत चरण पकड़ लो। महात्मा और ब्राह्मण पैर के बड़े कमजोर हैं, यहां तुमने पैर पकड़े और गोविंदा भागो तुम्हें, जहां पैर पकड़े अच्छी बात है, राक्षस तुम बनोगे लेकिन तुम्हारा कल्याण इस तरह से भगवान की ड्यूटी और आप अपने लगा देते हैं। ये 10 जनक तपस्या की होती, भगवान का पीताम्बर दिखता है न दिखता, महात्मा ने श्राप दिया और एक एक जन्म में दर्शन हो जाते, तो फायदे वाला काम, लेकिन इसका मतलब तो फायदा करना शुरू कर दो आज से जाकर के। तेजी ज्ञान शम अतोष प्रसन्न हो गए करदम जी, और करदम जी ने उनसे पूछा भगवती तुमको क्या चाहिए, तुम्हारी सेवा से प्रथम है। तो महाराज सकल अंग संगम, एक बात तो आपको मैं संतुष्ट कर सकूं अपने शरीर से, ठीक है, अब न कोई बेडरूम, न कोई कैलेमीन, न कोई लोशन, न बेस, न पाउडर, न पफ, न लिपस्टिक, न मस्कारा और न आई शेड, लाइनर, कुछ भी तो नहीं, सुबह क्या क्यों मेरे को जलन पड़ा क्या, इन्हें छुट्टी नहीं लगती है, लगती है ना, जरूर पड़ती नहीं पड़ती है, खाने खाने पीने को थाली जंगल से ले आती तो उनको भी खराब को लिखा है सुख तब, लेकिन चेहरे में तेज था, समझ गई पति की सेवा का अवसर मिल रहा है, लेकिन अगर मैं तो उनके योग्य हूं नहीं, मेरा शरीर तो पति की सुख के लिए प्रसन्नता के लिए श्रृंगार किया जाता है, खूब करो जरूर करो, नाता तो मुझसे सीखो, मैं बता दूंगा कैसे किया जाता है, कैसे पहले बेस लगाया जाता है, फिर पाउडर लगाया जाता है, फिर हल्का सा रूस लगाया जाता है, ऐसा ना लगा लो कि लगे ऊपर तक पोत रखा है, एकदम शेड आईलाइनर के पहले, आईलाइनर लगाने के पहले पहले आई शेड लगा दे ना, मेरे बेटा सिखा दूंगा जिसको चाहिए, मेरे बात है, मैंने स्त्री का श्रृंगार करने का क्या उनका समझते हो, लाला जाके जाती मैं डिजाइन बनाता हूँ तब जाती है आई लव यू कहने के लिए आता है। तो सौंदर्य इसलिए किया जाता है कि जा भेषा मेरा साई रीझे सोई श्रृंगार, तो फिर तपस्वी ने समझ लिया और फिर वहां उल्ट बता हम लोग यात्रा में गए तो कुंड में नहाए भी हैं, उस कुंड में नहा करके आई हैं, और सब ऋषि के संकल्प से सब सिद्धि है दुनिया भर की, वो ब्यूटी पार्लर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्यूटी पार्लर एक ही मिलती है, पैर को करने में पेडीक्योर और मैनीक्योर और क्यूटीक्योर ये सब इकट्ठी आ गई वहां लाइन लगा के, कोई कंघी कर रही है, कोई डिजाइन बना रही है, और सब एक डिजाइन बना के,
ये तो छनन बनन बन गई, मैं तो वैसे ही हूं, तो वो भी स्नान करके वो भी पुण्य ठीक छा गए और फिर पेड़ के नीचे प्राइवेसी एक विमान बनाया, कोई देखने न पाए, बड़ा भव्य विमान बना। माय डियर, हमारे कथा करने वाले बड़े ढंग से इसका वर्णन करते हैं, कितने मंजिल का विमान था, उसमें कौन से रूम में क्या क्या सुविधाएं थी, क्या ये सब, माने बहुत कंफर्टेबल व्यवस्था हो गई और बहुत दिनों तक उन्होंने विहार किया और उनकी नौ कन्याएं हो गई और फिर उनका अब मैं जाऊं, आप मालिक ही जाओ, लेकिन आपने कहा था एक पुत्र हो जाएगा तब जाओ, ठीक है, तुम भी तपस्या करो, हम भी तपस्या करते हैं। फिर तपस्या किया है और फिर कपिल भगवान उनके घर में प्रकट हुए हैं। बोलो कपिल भगवान, कपिल भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, हमारे कर्दम जी ने भी उनकी स्तुति की है। कर्दम जी ने स्तुति करने के अनंतर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभो आप आ गए हो, अब आप अपनी माँ का ख्याल और मुझे अनुमति दो, मैं जंगल में तपस्या करने का। ये देखो कमाल, भगवान घर में आए हैं, पुत्र बन के आए हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है उससे हम टिकेंगे नहीं, इसी को विरक्ति कहते हैं। आए ठीक, आपको दर्शन हो गया, ठीक है, आपके दर्शन मिल गए, अब आप क्योंकि मेरी पत्नी संन्यास नहीं ले सकती है, आपकी माता है, आप उनका कल्याण करो और मुझे अनुमति दो, मैं जाके जंगल चार बार भगवान की परिक्रमा करके और कर्म जी जंगल में चले गए और कपिल जी ने फिर माता जी की सेवा की और महात्मा उनके पिता कर्दम जी जंगल में चले गए। और इसके बाद कपिल देव जी से जब पति चले गए तब देवभूति की पूछती हैं, मेरा इतना जीवन इंद्रियार्थ प्रसंगीन एव, मैं तो इन भोग राज में ही इतनी जिंदगी बिता। देखो ध्यान रखो, ये देवभूति अपने पर लाद रही है नहीं, अरे हम तो बहुत निकम्मे हैं महाराज, हम तो अयोग्य हैं, ये अयोग्य और वहीं ये नहीं है, ये नम्रता है। बेचारी जिंदगी भर तो तपस्या की थी, थोड़े दिन ही तो हुआ था और वो भी कर्दम जैसे ऋषि के सामने, लेकिन मेरा सारा जीवन आहार निद्रा भय मैथुन में चला गया, मैंने कभी उस परम तत्व को जाना नहीं, अब आप हमारे पुत्र रूप में भले हो लेकिन आप अखिल गुरु हो और आप हमको उपदेश दें। तब कपिल जी ने जो सुनाया है इसको सांख्य शास्त्र भी कहते हैं, कपिल गीता भी कहते हैं, इसमें सब के सब भक्ति ज्ञान वैराग्य अभूतपूर्व वर्णन इसमें है, आप लोग देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो बात कही है वो मूल बात आप पकड़ लें, बाकी सब चीजें आप उसके सहारे समझ लेंगे। कपिल जी कहते हैं, मैया चेता खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनः, ये जितने हमने मार्ग बताए हैं माता, ये सब के सब चित्त के ऊपर आश्रित हैं। जब भी आदमी बनता है चित्त के कारण बनता है और मुक्त भी होता है तो मन से ही, शरीर के बंधने और मुक्त होने का कोई तात्पर्य नहीं है। भ्रमर करत घर कोरे काठ में और बधत कमल के पाप ऊधो मत मत, भौरा सूखी लकड़ी में छेद कर लेता है लेकिन कमल का पत्ता इतना मुलायम है उसमें बंध जाता है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वान देश्यति परिष्यति पंडित, तो आदमी छोटा बच्चा डेढ़ साल का है, माँ जा रही है नहीं जाना है, माँ रुक जाती है और जब बच्चा 12 साल का रहता है चलो चलो तो अपना खेलो, मैं जा रहा जरूरी काम है, माँ उसकी उपेक्षा करके चली जाती है। 12 साल का अधिक मजबूत है और
12 साल का बाप उससे ज्यादा मजबूत है, उनकी उपेक्षा करके चली जाएगी। लेकिन 1.5 साल का बच्चा, साल भर का बच्चा अगर रोक दे तो मां नहीं जाएगी। चेता चेता अश्य खलु अश्य बंधाय और मुक्तये च, चित्त ही मैया अब इस चित्त के राग को किसी तरह से रोको। तो बेटा कैसे बंधन में आता है, तो गुणेश सक्तम बंधाया रतम वा पुरुष, ये तीनों गुणों के चक्कर में आ जाता है तो बंधन में आ जाता है। और अगर इन त्रिगुणों से ऊपर चला गया तो मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से कपिल जी ने माता जी का गुरु के रूप में भी और पुत्र के रूप में भी कल्याण किया है। मैया अब तुम जो तुमने सीखा है इसका तुम आश्रय करके आत्म कल्याण करो, और मैया मुझे भी आज्ञा दो, जो मैंने आपको सुनाया है उसका मैं भी जाके अनुपालन करूं। और इसलिए श्री कपिल जी गंगा सागर के तट पे जहाँ मकर संक्रांति को स्नान करते हैं वहां पहुंच के तपस्या करने चले गए, और माता जी यहाँ तपस्या करके अपना कल्याण कर। तो गंगा सागर पर कपिल देव जी चले गए और देवभूति माता अपना कल्याण। इसके बाद चतुर्थ स्कंध में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सब की कथा है, हम लोग उनका भी कर स्पर्श करेंगे। पहले अत्रि महाराज की कथा आती है जिनकी पत्नी अनुसुईया है। अनुसुईया का मतलब क्या है, देखो ये भी एक बड़ी खराब आदत है हम लोग। असूया, असूया माने गुणेश दोषा विष्करणम, किसी में वो गुण है और मुझ में नहीं है तो हम उनके गुणों में भी दोष है, अपने को इतना सुंदर समझती है, भगवान ने गुण कहता ऐठी ऐठी फिरती है। अरे बेचारी इसको मालूम नहीं कि मैं ऐठी फिर रहा हूँ, बैठी फिर रहा हूँ, और ये जबरदस्ती जलने के कारण तो दोषे गुणे तो दोषाविष्करणम, उसमें कोई दोष नहीं है और अपने आप उसमें कोई ना कोई दोष निकाल करके और उसके पर दुर्भावना लाना, ऐसी बुद्धि का नाम असूया होता है। बड़ी बुरी चीज है, बहुत बुरी चीज है। संतों को, साधकों को, गुरु भक्तों को इनसे बचना चाहिए। और अत्रि माने जिसमें तीनों गुण अलग हो गए हो, अथवा अत्रि माने जो वही है जो उसका स्वरूप है उसका नाम अत्रि है, अथवा जो त्रिगुणातीत है वो अत्रि है, जागर स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों से परे जो तुरीयावस्था है उस महात्मा को अत्रि कहते हैं। अत्रि अनुसुईया पतिव्रता है, अत्रि महाराज बड़े तपस्वी हैं, तुरीयावस्था तक पहुंचे ज्ञानी हैं। अनुसुईया माता की और महिमा को प्रकट करने के लिए और नारद जी ने, ये भागवत कथा नहीं है, मैं आपको बता दूं भागवत में नहीं आया, लेकिन अन्य पुराणों में आया है कि अनुसुईया माता की महिमा प्रकट करने के लिए और नारद जी को अपना नाटक करना पड़ा। पहुंचे तीनों जगह, ब्रह्माणी सती और लक्ष्मी जी के पास, पहले तो प्रशंसा की और फिर कह दिया आना माता जी आप सब ठीक हैं लेकिन अनसुईया के आगे तो पतिव्रता तो वही है। अब देखो ये सब चीज समझने के लिए है, उनमें काहे को असूया अनसुईया, लेकिन कथा आती है कि तीनों के तीनों पहुंची। इसको पतिव्रत से दिखाया जाए तो उसके पहले अपने पतियों का सुनो, रोटी चाहिए कि नहीं घर में, घर में शांति चाहिए, चाहिए। तेरा फैमिली कौन है, आप है। घर में घुसना है कि नहीं, आप अगर घर में घुसना है तो जाओ अनसुईया का व्रत खंडन करो। तीनों ने सोचा हम उसका व्रत तो क्या खंडन करेंगे, चलो उनकी महिमा को और विकसित करो। तीनों से अलग अलग कहा तो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे आए, कैसे आए
आप कैसे आए? जिसलिए आप आए हो ना, समझ गए नारद जी की लीला, जिसलिए आप आए हो ना उसीलिए हम भी आए, और आप वही कारण हम भी अकेले गए घर से, इसलिए आए कर्म के मारे। तो क्या किया जाए? अभी भिक्षा दे ही, भिक्षा दे, तीनों आ गए। तो माता जी अंदर से, भाई बाबा संत आए हैं, भगवंत आए, देखिए भैया ना ऐसे नहीं, फिर हमारा नियम है आप निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा दे। निर्वस्त्र माने एकदम, अरे ऐसा कौन सा साधु, साधु वैसे ही बच के रहता, कह रहा नंगी हो गया देखा तो माय डियर सब ठीक है, नंगे कह रहे ना, अरे कमंडल जल लिया, महीना महीना भर के क्यों 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 ले, अब नंगी हो गए ले पी लो, बड़े प्रसन्न में वाह वाह ये सुख तो विष्णु कह रहे हमको कभी जिंदगी भर मिला ही नहीं था, वाह भैया वाह वाह, तो मारो छोड़े नहीं, अरे छोड़ तेरा भैया भी तो दिया नहीं, मैं भी और भी, तीनों में कंपटीशन होगा, दूध पर कोई उठे ही नहीं, अब पी करके और झूले में डाल दिया अकेले। एक बार हमको भी एक बच्चा मिला है, पर्दे से तो दरवाजे में ऐसा करके झूला कपड़े के बाद लगा दिया, वो पीछे ले गई, अच्छा वो तो अब वहां पहुंचे नहीं लौट करके, कहां गए नारद जी ने कहा आनंद ले रहे हैं, कहा अरे यहां हमको छोड़ के चले गए, आई देखने के लिए वो तीनों कैसे आई कैसे आई कैसे आई, इनकी पुल पट्टी खुल गई, घर आई तो देखा है भगवान विष्णु कहते गच्छ अब तुम्हारी कल मेरी मैया दूध पिलाएगी चलो, अरे तेरे बिना मैं कहते नहीं तुम जा मेरे बटेरा जाओ, तीनों को भगाने लगे, तीनों कहते जाओ गच्छ अब हम तो यही रहेंगे, आने से मैया का दूध पिएंगे तगड़े होंगे, आके बैठ गए नहीं सब होगा ना, चलो चलो गच्छ मैया का, अब मैया से बात करो, मैया मैया के सास के पैर छुए जाके अब सास तो बड़ी गई, अगर हस्बैंड की मदर है तो क्या हुई, अत्री आए अरे ये इकट्ठे कहां से आ गए और ये कौन है, ये मेरे तीन बेटे और तीन बहुएं, बीता बीता भर के बेटे और साढ़े तीन तीन छे छे हाथ की बीबियां, ये कैसी बहू है, हाथ पैर जोड़े हैं, क्षमा करो माता पतिव्रता की महिमा अपार है, भगवान ने कहा भाई अब तो हम तुम्हारे बेटे बन गए, उनका भाई बेटे तो बन गए लेकिन अब इनके बेचारी हमारी बहुएं अब बहुत दुखी रहे तो सास कैसे कहो, वही सास सुखी हो सकती है जो बहू की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, बहू को सांस भी ना लेने दे ऐसी उसका सास नाम नहीं है, बहू के सिर में दर्द हुए सास को नींद ही नहीं आने गई, अरे बेटी यहां तेरा पापा जा तो ना ना बेटा पा तेरे सिर में दर्द क्या जाऊ, रात तू मेरी सेवा करती है आज एक घंटे मेरे सिर दबा, नहीं माता है बेटा चुप बैठ हवादार मैं कर सिर बिचारी बेटी निहार हो जाएगी जिंदगी भर सास के चरणा बदले के लिए, बहू का बहुत ख्याल रखना, एक पूरा भरा पूरा घर छोड़ के तेरे घर में आई है, तुम्हारे घर की शोभा बन के आई है, तुम्हारे घर के सारे कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती है, उसको प्रसन्न रखना उसको संतुष्ट रखना गृह स्वामी का कार्य है, सास को ध्यान रखना चाहिए बहुओं का और बहुओं को भी आखिर सास का ख्याल रखने की हिम्मत तो नहीं है, तो अनसुईया के सतीत से तीनों को बालक बनने का जो सुख मिला तो फिर अब तो हम आपके पुत्र बन के रहेंगे ही, तो शंकर जी दुर्वासा बन गए, ब्रह्मा जी चंद्रमा बन गए और विष्णु भगवान उनका ये तो अपने अलग नाम रखे हैं, मैं तो अपने आगे बाप का नाम जरूर रखूंगा, उनका नाम तो हुआ दत्त लेकिन उन्होंने आगे अपने आत्रेय लगाया, आत्री का जो अपत्ययम कुमार आत्रेया
तो उनका नाम दत्तात्रेय हो गया। उनका मैं तो अपने पिता की महिमा बढ़ाऊंगा, तब से वो दत्तात्रेय भगवान हो गए। तो इस तरह से भगवान के इतने परम भक्त अत्रि और अनसुईया का आख्यान आता है। भगवान के आश्रय से जो धर्म होता है, उस धर्म के भगवत आश्रित धर्म के परिणाम से स्वयं भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर भगवान का आश्रय लिए बिना कोई कर्म किया जाए, धर्म किया जाए, तो वो अभिचार दक्ष प्रजापति की क्रिया से हम लोगों को इसका ज्ञान होता है। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े ज्ञानी हैं। लेकिन सभा में एक बार शंकर जी तो सभा में ध्यान लगाए बैठे थे, ब्रह्मा जी बुजुर्ग थे, शंकर जी तो कहीं पर भी जाते हैं, बस तुम तो राम नाम दिन रात सागर जपो आनंद रात दिन जप करते रहते, ध्यान करते रहते, कौन आया कौन गया कहाँ ध्यान होता है। अब कई बार हम मंदिर में जाते हैं, कई लोग पूछते हैं महाराज आप हम वहां ध्यान हमको देखा, अब मैं क्या करूं, झूठ कहूं तो कहो ध्यान देकर, अब मैं मंदिर गया ठाकुर जी को दे दूंगा तुम्हारे घोड़े को दे दूं, हम आगे आ गया हमारा घोड़ा देखो बिहारी तो कहीं नहीं जाएगी। अरे तुम्हें भी वही बिहारी है, तुम्हें भी वही राधा है। तो कई बार ऐसा होता, कई लोग कहते हैं आपने तो महाराज नहीं तब देखा तक नहीं। अब माय डियर तुम्हें को तो मैं देख रहा था, उसने तुम्हारे रूप में मैं रमण बिहारी और राधा रानी को देखता हूं, दुनिया उनका भजन करती है, मैं तुम्हारा भजन करता हूं। भोले बाबा ध्यान कर रहे हैं और दक्ष प्रजापति आए और सब तो खड़े हो गए, ये दो जने बैठे रहे। अब इतने जने खड़े हुए उधर उनकी दृष्टि नहीं गई, ये दो जने खड़े नहीं हुए बस, चलो ये तो मेरा बाप है हमारा दामाद, अपने समझता क्या है, हमने इसको अपनी लड़की दे दी है नंग धड़ंग, पता नहीं कैसे कहने हमने दे दिया, और ये अपने को ये अकड़ू खान लोगों की यही दुर्दशा होती है, मैं तुमसे क्या बताऊं, बोल बैठे आसन इतना किसी का ऊंचा हो गया तो हो दाएं बाएं हो गया है, इंची टेप से नाप करके आसन बनाने पड़ते हैं। शिव 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 अकड़ू खान लोगों को अक्सुंधी की मुसीबत नहीं आता, जिसको कहीं बैठ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकड़ू खान लोगों की आफत आती है, तुमने मेरा अपमान किया है, सभा मध्ये मान भंगा बुद्धि भ्रंशो भवे ध्रुव बुद्धि भ्रंश, अब मैं ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें भोले बाबा का अपमान करूंगा, और कुछ आगे कथा आप लोगों को सबको मालूम, इतना बड़ा यज्ञ किया, भोले बाबा को इनवाइट नहीं है, भंडारा करेंगे उनको नहीं बुलाएंगे, बस अपने आप पता चलेगा होता है, भोले बाबा क्या फर्क पड़ता है, इनवाइट करो मत करो, इनवाइट करो तुम्हारा कल्याण होगा, नहीं इनवाइट करोगे बैठ के माला फेरेंगे। मूर्खों को पता नहीं होता है वो किसका कल्याण कर रहे हैं किसका अकल्याण कर रहे हैं, वो शिव जी का अपमान नहीं कर रहे हैं अपना नाश कर, सूर्य के ऊपर जो थूकता है सूर्य का क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन थूक अपने मुंह पे आके गिरता है, यही हुआ। सती महारानी आई अनइनवाइटेड, और फिर आगे कैसे कैसे अग्नि से जली हैं और कैसे यज्ञ ध्वंस हुआ है, ये सब आप लोगों को कथा मालूम है। मेन बात जो मुख्य बात हमारी समझने की है वो ये है, शिव महिमाकार ने इसे बड़े अच्छे ढंग से लिखा, क्रिया दक्षो दक्ष क्रतुपति रथीशस्त ऋषीणाम आतिथ्यम शरणद सदस्य असुर क्रतुभ्रंशत्वत्त क्रतुफल विधान विस्मिनो ध्रुवम करतु श्रद्धा विधुरम विचारा। कितनी अब अंग्रेजी और संस्कृत मिलाओ बेस्टतम मैंने गुड बेटर बेस्ट साधारण तप और तरप और तबप प्रत्यय बेस्टतम चलो या मोस्टेस्ट, ऐसे मोस्टेस्ट कोई वर्ड होता नहीं है,
लेकिन मोस्ट टेस्ट हम लगा दे रहे करने के लिए प्रजापति के पास दक्ष के पास सब चीजें उत्तमोत्तम है, पात्र भी सब सोने के, इतनी मिट्टी कोई नहीं, कृतपति अभिषा तत्परता, सारे के सारे देवता साक्षात आकर के बलि ले रहे हैं, ऋषि नाम आत्विज्यम, बड़े बड़े ऋषि वहां होता उद्गाता आदि बने हुए हैं, हर चीज परम है, लेकिन तो भी श्रद्धा से विधुर है। ये श्रद्धा के लिए यज्ञ नहीं किया गया है, अपमान के लिए शिव जी के लिए किया गया, इसलिए ध्रुवम कर्तु श्रद्धा विधुर, माने कर्ता की श्रद्धा से विधुर माने बिना, अगर मख माने यज्ञ होता है वो अभिचार ही होता है, माने अभिचार यज्ञ को माने बड़ा निंदित कहते हैं, अभिचार ही होता है, कैसे नष्ट हुआ, क्रतुफल विधान व्यसन, ये श्री महिमा कहीं आया है, कर्म हमने किया, हमने आहुति डाली, उसमें जौ है, उसमें चीनी है, उसमें तिल है, घृत है, वो तो अग्नि में जल गया, ये तो यही नष्ट हो गया, हमारी क्रिया भी नष्ट हो गई, हमारे स्वाहा के उच्चारण भी नष्ट हो गया, अभी सबका सब नष्ट हो गया, राख रह गई, हमको फल कैसे मिलेगा। तो आप लोगों ने सामान्य जानकारी के लिए मीमांसा दर्शन की इतनी सी झलक दे रहा हूं, जो हम ये कर्म करते हैं ये अदृष्ट रूप में इकट्ठा हो जाता है, आप उसको संचित करते हैं, संचित कर्म से वो कर्म जो फल देने लग जाते हैं उन्मुख हो जाते हैं, उन्हें प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जिसे शरीर मिला है, और जो कर रहे हैं उसको क्रियमान कर्म कहते हैं। नाम याद न रहे कोई घबराना मत, मैं पहले बता दिया, नहीं घबराने के लिए तुमको नहीं बता लूंगी, या अपनी पंडिताई छाने के लिए ना, केवल एक संस्कार आपको हो जाए, किया जा रहा कर्म उसका एक फल है जो इकट्ठा हो रहा है, और ऐसा फल जो रिजल्ट देने जा रहा है, ये तीन चीजें हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। तो कौन से कर्म का कौन सा फल होगा ये निर्णय कौन करता है, ये ईश्वर ही, ईश्वर इसका नियंता, काल का नियंता, कर्म का नियंता, इन सब का नियंता ईश्वर है, शिव है, महेश्वर। तो महेश्वर को देना चाहिए यज्ञ का उत्तम फल, और उन्होंने क्रतु भ्रंश त्वत्तः, आपसे ही वो क्रतु भ्रंश हुआ, कौन, क्रतु फल विधान व्यसनिनो, जो क्रतु के फल का विधान करने वाले आप हैं, उन्होंने ही यज्ञ नष्ट कर दिया, क्यों, श्रद्धा विदुर क्रतु अभिचाराय भवति, श्रद्धा विदुर मखा अभिचार। तो ऐसा धर्म जिसमें भगवान का आश्रय न किया गया हो वो अभिचार के समान होता है, त्याज्य। ईश्वर धर्म के मूल में है तो अपरिपूर्ण होता है, और अगर संपूर्ण विश्व के सृष्टि के कर्ता धर्ता हर्ता परमेश्वर की उपेक्षा करके कोई यज्ञ यागादि कर्म करेगा उसका परिणाम उत्तम। देखने में उत्तम भले हो लेकिन परिणाम उत्तम नहीं होता है। हम लोगों को ध्रुव के भाई उत्तम का भी परिचय आगे मिलता है। स्वायु मन के तीन पुत्रियां और दो पुत्र हैं, एक का नाम उत्तानपाद और एक का नाम प्रियव्रत है। तो उत्तानपाद का मतलब जानते हो, ये सब कथा आपके लिए है माय डियर। जब हम पैदा होते हैं ना तो हमारी टांग कहां होती है, ऊपर, तो हम सबके सब उत्तानपाद ही हैं। कोई कोई होता है जिसकी लात खा करके गर्भ दूर होता है, तो सब उत्तानपाद है। तो उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं सुरुचि और सुरुचि, आप ही सबके सब उत्तानपाद हैं। तो इधर आप लोग भी काम ऊपर ही थी, नीचे तो ना थी, इनकी ऊपर थी तुम्हारी नीचे, ऐसा नहीं, सारे के सारे उत्तानपाद। इन सबकी दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक मनमा, ये उपनिषद की बात है, श्रेयस श्रेयस के तहत
हमारे यमराज कहते हैं नचिकेता से, माय डियर श्रेय और प्रेय ये दो हैं, एक जो है देखने में और सुनने में और भोगने में रुचिकर है और एक परिणाम में रुचिकर है। जो देखने में रुचिकर है परिणाम में अरुचिकर है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, और जो भले देखने में उतना रुचिकर न हो लेकिन परिणाम में रुचिकर हो उसको स्वीकार करना, ये बुद्धिमान के लक्षण। लेकिन अब बुद्धिमान जो है वो ये प्रे के पीछे, ये चाकचिक के पीछे, आजकल जिस तरह हो रहा है चमक दमक के पीछे, एडवर्टाइजमेंट के पीछे, क्या बेवकूफी है। इसमें फोटो एक बड़ी सुंदर महिला की बनी हुई है, ये क्रीम लगाओ तो ऐसे सौंदर्य वाला हो जाएगा। अब भगवान ने जो रंग दिया है वो तो उनका प्रसाद है, और ये क्रीम लगाएंगे तो हम जरूर। और फिर वो एक क्रीम की बोतल कितने की आती है, अभी खरीदी तुमने? बड़ी महंगी होती है, मेरे कुछ बहुत महंगी, वो कहते 7 दिन के अंदर मिल जाए, कहीं 7 दिन क्या 7 साल लगाते रहते हैं, लेकिन क्या बिक्री बढ़ रही है। ओ घी के दाम उतने नहीं बढ़े जितने क्रीम के बढ़ गए, और फिर भी धड़ाधड़ से एडवर्टाइज। यही सूरज इसका बेटा परिणाम उत्तम तो होता है, परिणाम में उत्तम नहीं होता है। जो नीति से धर्म से व्यवस्था के अनुसार चलता है उसका परिणाम ध्रुव माने पक्का। सब कथा आपको मालूम है, उत्तान पाद की गोदी में उत्तम बैठा है, ध्रुव ने सोचा कि मैं भी बैठ जाऊं। सब लोग सुरुचि के पीछे दौड़ते हैं, ज्यादातर सुनीति को सब किनारे कर देते हैं, इसीलिए ध्रुव का अपमान होता है। आप सब लोग सुरुचि का ध्यान रखो, लेकिन सुनीति भी बड़ी है उसका भी सम्मान, कोई मत बुराई नहीं। पाउडर लगाओ, बना है क्रीम लगाओ, क्या पता किसी किसी का हो ही जाए, मेरे ज्यादातर होता होगा था कुछ नहीं, लेकिन शायद किसी को हो जाए, क्या बुरा, उसका इतना एडवर्टाइजिंग में पैसा लग रहा है। एक आधे आप कह सेकंड के कितने रुपए देने पड़ते हैं, डुम 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 वो आ गए, और डुम 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 चला गया, इतने रुपए। अब आखिर आटो नहीं खरीदोगे तो बेचारे उनका इतना पैसा खर्च हो रहा है, जरूर क्या पता शायद किसी